मन्यसे यदि तच्छक्यम् मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वम् दर्शयात्मानमव्ययम्। हे योगेश्वर, श्री कृष्ण को योगेश्वर कहना गीता की अपनी परिभाषा है। हे योगेश्वर क्यों कहा है ये भी मैं समझाऊंगा। हे प्रभु, यदि तत् मया द्रष्टुं शक्यम इति मन्यसे, यदि इफ तत् तत्कार का वह क्या विश्वरूप या कॉस्मिक फॉर्म, मया द्रष्टुं शक्यम मेरे देखने के लिए, मेरे द्वारा देखने के लिए शक्यम पॉसिबल है इति मन्य से, ऐसा आपको लगता है ततः, तो हे योगेश्वर त्वम अव्ययम् मे दर्शय, आप अपने उस अव्यय स्वरूप को मुझे दिखाइए, दर्शन कराइए। लुक एट द ह्यूमिलिटी ऑफ अर्जुन। डियर गॉड, इफ यू फील दैट आई एम केपेबल, इफ यू फील दैट इट इज पॉसिबल फॉर मी टू हैव दिस विजन, तो मुझे दिखाइए। योगेश्वर योगिनो योगा तेषां ईश्वर योगेश्वर, योगियों के जो ईश्वर है, मास्टर ऑफ योगीज, वो रामानुजाचार्य जी ने कहा योगो ज्ञानादि कल्याण गुण योग। Yoga is the property of having knowledge and other auspicious attributes. और उनके जो ईश्वर है, उनके जो मास्टर है, वो योगेश्वर है। कई प्रकार के योग भारतीय संस्कृति में और भारतीय अध्यात्म शास्त्र में बताए हैं। भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, हठ योग, राज योग, लय योग, मंत्र योग, प्रकार के प्रत्येक की अपनी स्कूल्स ऑफ थॉट है। ये सभी जो प्रक्रियाएं हैं योग की, योग शब्द को भी समझ लीजिएगा, यूज टू जॉइन, क्योंकि पश्चिम के विश्व में योग को हमने योगा कर दिया और योगा का हम एक ही समस्या है, पैर ऊपर करना, या तो सम ब्रीदिंग टेक्निक्स, विच इज गुड, इट्स ऑलवेज गुड टू कीप अ हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड, लेकिन योग का मीनिंग, योग का पर्पज केवल फिजिकली फिट रखना नहीं है, वो तो एक शुरुआत है, केवल टिप ऑफ एन आइसबर्ग है। संस्कृत में यूज टू जॉइन, यूज का अर्थ है जुड़ जाना, एक हो जाना। मैथमेटिक्स में जिसको हम प्लस कहते हैं ना, एडिशन, उसके लिए भी संस्कृत में शब्द है योग। फाइव प्लस फोर, हम जो कहेंगे फोर एडेड टू फाइव, तो यहां पर चार का योग पांच से हुआ, ऐसे कहते हैं संस्कृत। और फिर जो नौ बना उसमें दोनों समा गए, दोनों एक हो गए, यूज टू जॉइन। और इष्य तत्व से परम तत्व, प्रत्येक व्यक्ति की एक अभिलाषा है, मनुष्य देह धारण करके संसार में आया है, उसकी एक अभिलाषा है टू बी वन विद द सुप्रीम, जहां से वो निकला है उसमें जाकर मिलना,
जैसे बालक की अभिलाषा है, सुबह में माँ की गोद को छोड़कर गया हूं, ठीक है पूरा दिन स्कूल में गया, खेला कूदा, मित्रों से बात की, सब कुछ किया, लेकिन जब शाम हुई तो मैं वापस मां की गोद में जाना चाहता हूं। ये जीवात्मा परमात्मा में से प्रकट हुआ है, 84 लाख फेरे न जाने कितनी बार करेगा, कुछ भी करेगा, अल्टीमेटली एक इच्छा उसके मन में लगातार बनी रहेगी, मुझे परमात्मा से एक होना है। इस इच्छा को आइडेंटिफाई कर सके, ठीक से उसको लेबल कर सके न कर सके, वो आता है, व्यक्ति एथिस्ट होगा, नॉन बिलीवर होगा, फिर भी उसको एक अपूर्णता भीतर खलती रहेगी कि सब कुछ होने पर भी कुछ कमी है, वो कमी परम तत्व से मिलन की है, योग। और उस योग के लिए जो रास्ते बताए, जो मार्ग बताए हमारे ऋषि मुनियों ने, ये सारे अलग अलग मार्ग है, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, हठ योग, राज योग, लय योग, मंत्र योग, और इन सारी प्रोसेसेस, इन सारी पद्धतियों के जो अल्टीमेट मास्टर है वो पूर्ण परम ब्रह्म श्री कृष्ण, उन्हें यहां पर चौथे श्लोक में अर्जुन योगेश्वर कहते हैं। कुछ संप्रदाय के लोगों ने योगेश्वर को भी एक ब्रांड नेम बना दिया, यही स्वरूप जो होगा वही योगेश्वर, नहीं, योगेश्वर विशाल पद। प्रभो संबोधन भी क्या है, मन्यसे यदि तत्शक्यं मया द्रष्टुम इति प्रभो, प्रभो का अर्थ है ओम्निपोटेंट, सर्वसमर्थ है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ प्रभो। पर अर्जुन की जिद नहीं, नम्रता है, मन्य से यदि तत्शक्यं, प्रभु आपको यदि लगता है कि मेरे लिए ये शक्य है तो ही, यदि आपको लगता है कि मेरी योग्यता है, मेरी पात्रता, इफ यू थिंक दैट आई एम नॉट केपेबल, आई एम हैप्पी विथ इट ऑल्सो। आप कह दो मुझे कि नहीं तेरी पात्रता नहीं है, क्योंकि अगले श्लोक में कह दिया आप जो कह रहे हो वो सत्य है, मैं मानता हूं, तो ये तो बात स्पष्ट हो गई कि प्रूफ नहीं मांग रहा अर्जुन, नम्रता है। प्रिय स्वजनों, 11वें अध्याय, क्योंकि 12वां अध्याय भक्ति योग है, एक से 6 अध्याय जो थे वो कर्म योग के थे, गीता का जो ब्रॉड डिवीजन है, 7 से 12 भक्ति योग है, और 13 से 18 कर्म अज्ञान योग है। 12वें अध्याय भक्ति योग का पिनेकल है, शिखर है, उसकी ओर जा रहे हैं, तो भक्ति के लक्षण भी 11वें अध्याय में हमें लिखना शुरू हो जाएंगे। भक्त कौन है जिसमें नम्रता, गुजरात में गंगा सती कहती ना, भक्ति रे करवी ने राग थई ने रहे हूं पान भाई, राखू न लगी रे अभिमान। इसे भक्ति का आनंद प्राप्त करना है, अनुभव करना है, उसको तो बिल्कुल नम्र होकर रहना पड़ेगा, हम्बल होकर रहना पड़ेगा, गलती से भी कभी अहंकार का प्रदर्शन ना हो जाए, गलती से भी कभी आवाज ऊंची ना हो जाए, आज होता क्या है कि व्यक्ति अपनी पात्रता या योग्यता को समझे बिना केवल अधिकार की, हक की भाषा बोलने लगा। समाज में सब जगह, मैं केवल किसी एक देश की या एक कॉन्टिनेंट की बात नहीं करता हूं, मैं पूरे विश्व की बात करता हूं, पीपल आर टॉकिंग अबाउट देयर राइट्स विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट देयर क्वालिफिकेशन। ये हमें मिलना चाहिए, हमें मिलना सभी से,
संतान माता पिता के पास अधिकार की बात करते हैं। हर साल सेलफोन का नया मॉडल ना दे सको, ब्रांडेड शूज या ब्रांडेड कपड़े यदि ना, कैसे पेरेंट्स हैं आप? एज इफ यू डोंट क्वालिफाई टू बी पेरेंट्स अनलेस एंड अंटिल यू फुलफिल देयर डिजायर्स। कितने संतान ऐसे हैं जो सोचते हैं कि मैंने अपने पेरेंट्स के लिए क्या किया? वो यही सोचेंगे मुझे मिला क्या। बाहर जाते हो तो एम्प्लॉइज एम्प्लॉयर के पास केवल अधिकार की बातें करते हो, और यूनियन हो तो खास, हमें ये मिलना चाहिए, हमें ये मिलना चाहिए। तूने हैव यू जस्टिफाइड इट? नहीं, उसकी बात मत करो, ये हमारा अधिकार। एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट देयर राइट, दिस इज माई राइट, दिस इज माई राइट, दिस इज माई राइट। हैव यू एवर थॉट व्हाट इज योर ड्यूटी? कभी अधिकार की बात नहीं करेगा। यदि भक्ति का आनंद लेना आज व्यक्ति दुखी है क्योंकि वो केवल ईगो से प्रेरित अधिकार की बातें करने लगता है। एवरीबडी फाइट्स फॉर राइट्स, Nobody cares for you. मुझे पूछना चाहिए, मेरी परमिशन लेनी चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, ये भक्ति की भाषा नहीं है। शिष्य गुरु को विनती कर सकता है, आदेश नहीं दे सकता। पुत्र पिताजी को विनती कर सकता है, दैट इफ यू थिंक एंड इफ यू फील दैट इट इज गुड फॉर मी, कैन यू बाय आईपैड फॉर मी, ये कितना अच्छा लगेगा। दैट बोलो, पता चल गया आपको? नहीं चलेगा। ओबीडियंस, ह्यूमिलिटी, ये भक्ति की खुशबू है। हम 12वें अध्याय भक्ति योग की ओर जाते हैं। यहां पर देखिए अर्जुन की कितनी नम्रता है। प्रभु यदि आपको लगता हो कि मेरी योग्यता है तो मुझे उस दिव्य स्वरूप का दर्शन करना है, प्रभु मुझे कराइए। वेदांत की दृष्टि से सोचिए, तीसरे श्लोक में और यहां चौथे श्लोक में भी, तीसरे में भी देखिए अर्जुन ने कहा था ऐश्वरम द्रष्टुम इच्छामि, ऐश्वरम रूपम द्रष्टुम इच्छामि, आपका वो ऐश्वर्यमय स्वरूप मैं देखना चाहता हूं। और यहां चौथे श्लोक में कहा अव्ययम आत्मानम दर्शय, लास्ट आंसर जो है दर्शयाम आत्मम दर्शयाम आत्मनम व्ययम, अव्ययम आत्मानम दर्शय। अब ऐश्वरम रूपम द्रष्टुमिच्छामि, वहां सगुण साकार की बात हुई क्योंकि रूप है ऐश्वर्यमय रूप तो फॉर्म आ गया, और इसलिए आंखों का विषय है द्रष्टुम इच्छामि। लेकिन यहां पर अव्ययम आत्मानं दर्शय, अव्यय आत्मा को, अब अव्यय अविनाशी आत्मा वो तो फॉर्मलेस है। वेदांत की परिभाषा में जैसे ही फॉर्म आ गया कि नाश आ गया, आकार जब बन गया तो ये आकार आज नहीं तो कल जाएगा। जो निराकार है वही अव्यय है। शेप बना,
आज नहीं 200 साल 500 साल 5000 साल के बाद भी शेप तो टूटेगा ना। जब तक शेप नहीं है, निराकार है, तब तक अव्यय है। यहां चौथे श्लोक में अर्जुन कहता है प्रभु अव्ययम आत्मानं दर्शय, अव्यय अविनाशी जो आत्मा है वो दर्शाओ, वो दिखाओ। जो फॉर्मलेस है वो दिखाओ। यदि आप कहो कि मुझे ये पुष्प की माला दिखाओ तो मैं दिखा दूं, क्योंकि आकार है। बहना मधु ने बनाई, बहना रूपल ने बनाई, दिखाऊं कि सुंदर पुष्पों का उन्होंने उपयोग किया। लेकिन आप ये कहो हवा दिखाओ, क्योंकि हवा का कोई आकार नहीं है, हवा का कोई फॉर्म नहीं, वो कैसे दिखाएं। अव्ययम आत्मानं दर्शय कहना है। और दोनों में बताया है सिंगुलर, रूपम सिंगुलर है, आत्मानं सिंगुलर है, विश्व रूप है उसमें होगा बहुत कुछ। अर्जुन कहता है मुझे तो वो एक देखना है। इसका अर्थ समग्र सृष्टि में जो फैला हुआ है विच सीम्स टू बी मैनी, आई वॉन्ट टू सी इट एज वन, रूपम आत्मान। और इस श्लोक के जो रूट है वो भगवत गीता के 10वां अध्याय का अंतिम श्लोक 42वां श्लोक, उसमें जो श्री कृष्ण ने कहा अथवा बहु नहीं तेन किम ज्ञापे न तव अर्जुन विष्टव्याहमिदं कृष्णं एकांशेन स्थितो जगत। बहुत दूर की बात नहीं है, 2018 की बात है, मैं हमने देखा था। यदि आप में से किसी को तारीख भी याद होगी तो बता दोगे कि पिछले साल मई तो होगा ही या जून था, जून था, कौन सा थे लास्ट दिन कौन सा था, 15th। बस तो आज भी 10 5th लास्ट डे। ये तारीख तो याद है, श्लोक याद है। वही हमने देखा श्री कृष्ण कहे 10वें अध्याय के अंतिम श्लोक में एकांशेन स्थितो जगत। अर्जुन तो अलग 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 विभूतियों के बारे में सुनता है लेकिन एक बात समझ गए अथवा बहुना ही तेन, ये एतेन बहुना किम, ये इतना सारा अलग अलग डिस्क्रिप्शन करने का मतलब क्या है अर्जुन, इतना तो समझ ले विष्टव्याहमिदं कृत्स्नम एकांशेन स्थितो जगत। एकांशेन स्थितः, एक ये पूरा जो संसार दिखाई पड़ता है ना मेरे एक अंश में से उत्पन्न हुआ, इज जस्ट अ स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ माइंड। इतना बड़ा यूनिवर्स इज जस्ट अ फ्रेगमेंट ऑफ योर, एंड हु रियली धाउ आर्ट, पुरानी इंग्लिश में धाउ आर्ट, लेकिन यू विद कैपिटल वाई, हु रियली यू आर, आप कौन है प्रभु। ये तो बात स्पष्ट है, चर्म चक्षु से इसे देखा नहीं जाएगा, विराट दृष्टि से देखा देख सकते हैं उसको। तो जैसे ही अर्जुन ने ये विनती की 5वां श्लोक बड़ा प्यारा बड़ा मधुर, आइए 5वें श्लोक का दर्शन करें।